संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम अब उत्तर प्रदेश में बदला जाएगा। जी हाँ, चौंकिए मत, दरअसल भीमराव अंबेडकर के नाम के साथ अब उनके पिताजी रामजी मालोजी सकपाल का नाम भी जोड़ा जाएगा। यूपी के राज्यपाल राम नाईक की सलाह के बाद इस बड़े फैसले को लिया गया है। जब इस फैसले पर अंतिम मोहर लग जाएगी तो उनका नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्यपाल राम नाईक ने इसको लेकर 2017 में एक कैंपेन भी चलाया था, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी खत लिखा था। वैसे भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे महाराष्ट्र में भी उनके पिता का नाम जोड़ा जाता है। इस मामले में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है, जिसके बाद आधिकारिक रूप से नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर हो जाएगा। देश के संविधान को आकार देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।